मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें, ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने चलती गाड़ी से झपट्टा मारकर छिनैती व चोरी करने वाले 5 छिनैतियों के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 26 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से छिनैती पर लगाम लगेगा और लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 लोगों को DAV स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। सुधीर कुमार सिंह, SP आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। एक मोबाइल चोर गिरोह पकड़ा गया है जिसके 5 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 26 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें से 3 मोबाइल कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि 3 मुकदमों से वो कनेक्ट हो गए हैं और उसके वादी भी मिल गए हैं। तो ये एक अच्छा काम है क्योंकि लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसे हमने सर्विलांस पे लगा रखा था और सर्विलांस के माध्यम से ही ये 5 के 5 जो चोर हैं वो पकड़े गए हैं। इससे निश्चित रूप से जो मोबाइल चोरी की जो घटनाएं हैं शहरी क्षेत्र में और देहात के क्षेत्र में रोकने में इसमें मदद मिलेगी। दुकान से चोरी का मामला है या फिर राह चलते लोगों का? नहीं, ये दुकान से चोरी का मामला नहीं है। इन्हें जहाँ मौका लग जाता है, चाहे वो किसी जेब से पार करने वाला हो, चाहे राह चलते हो, चाहे ये कहीं बैंक में कोई फोन रखे हो, उस ढंग के जो भी फोन रखे रहते थे, जो हाथ सफाई वाला जो मामला है चोरी वाला, वो ये सब लोग किया करते थे। अब तक सर कितनी बार ये लोग चोरियां कर चुके होंगे? देखिए, ये अभी इनकी जो चोरी 26 मोबाइल तो बरामद हो गए हैं और इनके द्वारा करीब 150-200 मोबाइल बताया गया कि ये अब चोरियां कर चुके हैं। तो अभी बाकी सारे की कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ मोबाइल्स के बारे में इन्होंने बताया कि ये उसके पुर्जे करके और दिल्ली वगैरह बेच आते हैं। सर, क्या इनका पूरा गैंग है? हाँ, इनका पूरा गैंग है। अब इनके कुछ मेंबर्स बाकी हैं और जब वो मेंबर्स पकड़े जाएंगे तो इनसे और मोबाइल की रिकवरी होगी। ठीक सर। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना कंदरापुर पुलिस व स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान 3 अदद पिस्टल, 8 अदद जिंदा, 2 अदद खोखा कारतूस, 32 बोर, 1 अदद तमंचा, 1 अदद जिंदा व 1 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर तथा 1 अदद अधी बंदूक, 1 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर तथा 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया और कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक प्रधान भी शामिल है। SP ने बताया कि बदमाश असलाह खरीदने व बेचने का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक ने के निर्देश पर कंदरापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई है। सुधीर कुमार सिंह, SP आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, थाना कंदरापुर पुलिस टीम और स्वेट की जो हमारी पुलिस टीम है, दोनों के संयुक्त रूप से अभियान में ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई और उस पुलिस मुठभेड़ में ये 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, इनके पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा और 1 पौनी, जो देख रहे हैं छोटी बंदूक होती है, वो इनके पास से बरामद हुई है। और ये दोनों तरह का काम करते हैं। जो अभी आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी असला पकड़ा गया था, उसी की सीरीज में लगातार ये बरामदगी हो रही है और उसी इन्फॉर्मेशन पर ये बरामदगी हो रही है और अभी आगे और बरामदगी होगी। इन ये असला इसमें खरीदते भी थे और मौका लगने पर अगर प्रॉफिट होता था उसे आगे बेचते भी थे, यानी कि ये खरीदार भी थे और ये बेचने वाले भी थे, दोनों तरह का रोल ये करते थे। इसमें एक प्रधान भी है, प्रधान अपना हाथ खड़ा करिए, एक प्रधान भी है जो जिसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है। सर, आगामी चुनाव को मद्देनजर भी इस्तेमाल देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जब पहले असला बरामद हुए थे, निश्चित रूप से जो चुनाव अभी प्रधानी का आगे आने वाला है, ये लोग क्योंकि इसमें एक प्रधान भी है तो ये लोग अपने को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो तैयारी है आगे प्रधान चुनाव की उसी कर रहे हैं, उसी से संबंधित ये असला खरीदने बेचने का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब से ये असला बरामदगी हुई है तब से जो गोली मारने की जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत कम हो गई हैं। अब पिछले हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना नहीं हो जो गोलीबारी की घटना हुई हो। जब इनकी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी असला की, तो निश्चित रूप से जो घटनाएँ हैं, जो फायरिंग की जो घटनाएँ हैं, वो निश्चित रूप से कम होंगी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव तो समाज के सभी तबकों पर पड़ा है, फिर भी सबसे अधिक हाड़ी मजदूरों और वनवासी समाज को प्रभावित किया है। ऐसे में आमतौर पर परिवार में आपदा की घड़ी होती है तो सबसे पहले बच्चों के खर्चों में कटौती की जाती है, उसमें से भी खासकर बालिकाओं के खर्चों की कटौती की जाती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, गरिमापूर्ण जीवन के साथ समझौता करना
बहुत ही कठिन होता है। ऐसे मजबूरी के हालात में स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ समझौता बहुत से लोगों के जीवन में मानसिक अस्वस्थता का कारण भी बन जाता है, जो परिवार के दीर्घकालीन जीवन पर प्रभाव डालता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी पर असर डालता है। खासतौर पर किशोरियों में खून की कमी और मानसिक स्वच्छता के अभ्यास की आदतों पर किशोरी बालिकाओं से बात कर जानकारी प्रदान किया। खासतौर पर जब किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य विकास की बात हो तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती है। इस अवसर पर रोजा संस्था के सचिव मुश्ताक अहमद ने बताया कि सामाजिक संस्था रोजा द्वारा 3 चरणों में तरमा, जहानागंज और मेहनगर के 60 गाँवों के 14 से 18 साल के 607 किशोरी बालिकाओं को गरिमा किट का वितरण किया गया। गरिमा किट के वितरण के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संध्या सिंह व दीपिका सिंह के द्वारा किशोरी बालिकाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तौर तरीके बताए गए। सुनवाते हैं इन किशोरियों ने क्या कुछ कहा। मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। रोजा संस्था गरिमा किट हमें मिली है, इसमें सैनिटाइजर पैड और नहाने का साबुन और तरी नाइसिल पाउडर कैरी बैग और मतलब हम लोग को उपलब्ध करने वाली मतलब सारी सामान मिली है और इसके लिए हम लोग इसके लिए रोजा संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अफसाना खातून है, मेरा घर रामपुर है और ये रोजा संस्था के बोर्ड से हमें नाइसिल पाउडर, हाथ धोने का साबुन, सैनिटाइजर और सैनिटाइजर पैड आदि उपलब्ध कराए हैं। ये हमारे जीवन में पहली बार मिला है, ऐसा हम कभी सोचा नहीं था। हम तो हमारे सारी लड़कियों को तरफ से इस रोजा संस्था को बहुत 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 शुभकामनाएं और धन्यवाद कहना चाहते। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए किरण सिंह अमाठा गोपालपुर थाना जहानगंज ने बताया कि मैं अपने गांव में निवासी पर रहती हूं और आशा कार्य करती हूं। मेरे ही गांव के निवासी अपराधी प्रवृत्ति के लोग मेरे घर के सामने की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। आज के पूर्व भी कई बार मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जहानागंज थाने का हिस्ट्रीसीटर है और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले वारंट भी हैं। वह मुझे बार बार धमकी देता है कि अपनी ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। 16 सितंबर 2020 को ब्लॉक जहानागंज पर दवा के लिए गई थी। उधर से मैं वापस अपने ही गांव निवासी दीपक सिंह के साथ दोपहर में घर आ रही थी कि तभी हुसैन जंगल के पास हिस्ट्रीसीटर उसका साथी बाइक से आकर मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर रुकवा दिए और नीचे उतरते ही गाली देने लगा और हम दोनों लोगों को मारने पीटने लगे और मेरे गले की चेन भी छीन ले गए और मुझे धक्का दिया। मैं रोड के नीचे गिर गई और धमकी देकर गया कि थाने पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अगर नहीं मानी तो तुम्हारी भी हत्या कर दिया जाएगा। पीड़िता को डर है कि कहीं जैसे लालगंज में आशा कार्यकर्ता की साथ हत्या हुई थी उसी तरह हमारी भी हत्या ना हो जाए। पीड़िता ने उचित कार्रवाई की मांग की ताकि जानमाल की सुरक्षा हो सके। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। ग्राम नाम था गोपालपुर। पोस्ट दौलतावा। थाना जहानागंज। क्या मामला आज आप उस जमीन के विवाद में मुझको धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं। कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? गुड्डू यादव हैं, रंजीत सिंह हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुमको तुम्हारे बच्चे को उठा लूँगा। वो मारे थे, 2-3 बार मार चुके हैं। कब कब मारे थे? एक मारे थे 18 जुलाई को, फिर 18-19 जुलाई को, एक 16 सितंबर को। इसी साल इसलिए मारे थे? हमारे जमीन की विवाद में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं, यहाँ से छोड़ कर जाइए। इस मामले की शिकायत आप वहाँ थाने पे की थी? जी। तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रहे हैं? वहाँ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कह रहे हैं कि यही बताए बुला तो गए। आज इसकी साहब से मिली? पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह महमराई शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी गिरफ्तारी में मामूर थे। मुखबिर खास सूचना मिली कि आयुक्त अभियुक्त चौधरी यादव इस समय रुपयनपुर पुलिया के पास मौजूद है तथा भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस के रुपयनपुर पुलिया पहुंचते ही पुलिस को देखकर अचानक भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। पुलिस की पूछताछ में अपना नाम चौधरी यादव बताते हुए अपने जुर्म की बार बार माफी मांगने लगा,
पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय भेज दिया गया। तो वहीं महाराजगंज पुलिस ने छेड़खानी में वांछित चल रहे एक आरोपी को कटान बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जोगेंद्र मंजू यादव के घर का दीवार फांद कर घुस गया और वादनी मुकदमा से छेड़खानी करने लगा। अभियुक्त का उक्त कृत्यधारा 354, 506, 452 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आजमगढ़ जनपद के थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसवरिया में एक परिवार द्वारा कल पुलिस अधीक्षक से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष रौनापार को मामले का निस्तारण का निर्देश दिया था, जिसके संबंध में थाना रौनापार द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई और ग्रामीणों से वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे मालूम पड़ा कि राम विनय यादव के द्वारा बताई गई बातें सब बेबुनियाद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल राम विनय परिवार सहित गले में तख्तियाँ लगाए मेरे ऑफिस से आकर के न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राम विनय यादव का गांव के ही ठाकुर प्रसाद से विवाद चल रहा है और राम विनय शहर में ही रहकर मजदूरी करता है। गांव में बाढ़ आने की वजह से राम विनय के घर के आसपास बांस बल्ली लगाई गई थी, जिससे उसके बच्चे पानी में ना गिरे, जिसे हटा दिया गया है और दोनों पक्षों को बैठाकर मामले को जल्द कर से निपटाने के लिए थानाध्यक्ष रौनापार को निर्देश दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। सुनवाई के दौरान थाना रौनापार क्षेत्र के बरसौरिया के राम विनय यादव उपस्थित हुए थे और उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। उन्होंने गले में कुछ तख्ती लटकाई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इसके संबंध में मेरे द्वारा थानाध्यक्ष रौनापार से बात की गई थी और थानाध्यक्ष उन्हें थाने भेजा गया था। थानाध्यक्ष रौनापार उनके साथ उनके गांव में गए तो जो वाक्यात हैं वो इस प्रकार पाए गए। इनका वर्ष 2018 से झगड़ा ठाकुर प्रसाद यादव से चल रहा है और दोनों पक्षों में 2018 में मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद 2020 में इनके द्वारा उनके खिलाफ़ एक मुकदमा लिखाया गया और ठाकुर प्रसाद यादव जो कि विपक्षी उनके द्वारा मोटर चोरी की एक तहरीर इनके खिलाफ़ दी गई, जिसकी जांच थाना स्तर पर की जा रही थी। जो आवेदक है राम मिलन यादव, ये शहर में रहकर मजदूरी करता है और उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि बांस लगाकर रास्ता रोक दिया गया है, उसके संबंध में गांव वाले द्वारा ये बताया गया कि क्योंकि गांव में बाढ़ का पानी आ गया था और बच्चे कहीं उस पानी में ना गिर जाएं, इसलिए बांस लगाया गया था, बांस को हटवा दिया गया है। और जो आवेदक है जो कल मेरे सामने प्रस्तुत हुआ था, वो आपस में रगड़े झगड़े की वजह से प्रार्थना पत्र देता रहता है और थानाध्यक्ष द्वारा इन दोनों को पुनः थाने पर बुलाया जाएगा और इनके बीच जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण किया जाएगा। जो आवेदक ने जो अपने प्रार्थना पत्र में दिया है उस जैसी कोई चीज़ मौके पर नहीं पाई गई। आजमगढ़ जनपद में SP के निर्देश पर जिले भर में अपराध व अपराधियों पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना महाराजगंज की पुलिस ने अपनी कई कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वही जहानागंज की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना महाराजगंज पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने वाले नामजद वांछित 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त चौधरी यादव को गिरफ्तार किया है। तो वही महाराजगंज पुलिस ने अपनी दूसरी घटना में छेड़खानी के आरोपी अभियुक्त जोगेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज थाना जहानागंज की पुलिस भी फॉरम में दिखी और अपनी विभिन्न घटनाओं में कार्रवाई करते हुए एक घटना में दुराचार के 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तो दूसरी घटना में 5 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो आपको बता दें कि तीसरी घटना में जहानागंज पुलिस ने 4 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कोटेद्वार द्वारा अनियमितता बरते जाने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा। यह मामला है ग्राम पिलरा विकासखंड अतरौलिया तहसील बुढ़नपुर का। बलराम यादव ने बताया कि गांव के कोटेदार की अनियमितता के कारण 28 दिसंबर 2019 से कोटा निलंबित चल रहा है। इसके पहले भी सन 2002 से 2020 तक 5 बार कोटा निलंबित किया जा चुका है। गाँव की जनता कोटेदार के आचरण से परेशान होकर तत्कालीन जिलाधिकारी के यहाँ लगभग 300 कार्ड धारक निस्तारण के लिए धरना पर बैठ गए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने न्याय का भरोसा दिलाते हुए इस प्रकरण की जांच पुनः तहसीलदार बुढ़नपुर को सौंपा था। तहसीलदार द्वारा जांच की गई, जिस पर लगभग 200 लोगों ने तहसीलदार के सामने अनियमितता का बयान दिया गया, जिसकी फोटो फाइल में संलग्न है। लेकिन जांच के 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोटा निरस्त नहीं हुआ और कोटेदार गरीब जनता को डरा धमका कर फर्जी हस्ताक्षर कराकर प्रशासन को गुमराह करते रहते हैं। ग्रामीणों ने मांग किया कि गाँव की समस्या को देखते हुए कोटा तत्काल निरस्त कराया जाए। क्या कुछ कहा बलराम यादव ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम बलराम यादव है, मैं ग्राम पंचायत फिड़रा। क्या मामला है जिलाधिकारी महोदय? देखिए, हमारे गांव के कोटेदार श्री लाल बिहारी यादव जी हैं, वो अनियमितता के नाथ कारण सन 2000 28 फरवरी 2000 को वो निलंबित हो गए। अनियमितता का नाथ कारण
जिसको सप्लाई इंस्पेक्टर ने जाके जांच की थी, जिसके निरस्तीकरण के लिए गांव के 300 कार्ड धारक डीएम महोदय, तत्कालीन डीएम महोदय थे एनपी सिंह, उनके यहां ला के धरना प्रदर्शन लोग दिए। डीएम महोदय ने उनको न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि ये जाँच पुनः मैं एक बार तहसीलदार बूढ़नपुर से करवा रहा हूँ। और तहसीलदार महोदय ने जून मंथ में 28 जून को वो स्वतः, सुनिए मेरी बात, वो 28 तारीख को स्वतः गांव में गए और जांच की। 28 कार्ड धारक, 30 कार्ड धारक अंत्योदय और बाकी 200 कार्ड धारक जो है पादगृहस्थी वाले, उन्होंने तहसीलदार महोदय को अपना बयान दिया कि हमको 28 केजी ही राशन मिलता है 100 रुपये में अंत्योदय ने और बकिया पादगृहस्थ, जिसमें घोर अनियमितता पाई गई। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब सप्लाई इंस्पेक्टर ने जाँच किया अनियमितता पाई गई, तहसीलदार महोदय ने डीएम कहने के बाद जाके गांव में जांच किया अनियमितता पाई गई, तो फिर एक वर्ष हो गया, गांव की जनता एक गांव से 5 किलोमीटर दूर राशन लेने क्यों जा रही, क्यों नहीं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर नया कोटेदार को कोटा का चयन कर रहे हैं, इसमें हिलावाली की जा रही है। इसलिए हम लोग पुनः डीएम साहब के यहाँ आए और उनसे अपना दुखड़ा सुनाए हैं। डीएम महोदय ने ये भरोसा दिया है कि प्रधान जी कार्यवाही तत्काल होगी, इसमें कोई दुख नहीं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 21 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है। इन क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ और मिर्जापुर की पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। आपको बता दें, डीजीपी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है, जिसकी वजह से अपराधियों की शामत आई है। आपको बता दें कि मऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई में अब तक मुख्तार अंसारी गिरोह के विगत 93 दिनों में कुल 21,04,41,500 रुपये की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। तो मिर्जापुर की पुलिस ने भी मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य की गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 30 लाख की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गिरोह IS-191 के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में नामजद हिस्ट्री सीटर 83 रजनीश कुमार सिंह की 39,39,31,500 रुपये की संपत्ति अंतर्गत धारा 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के तहत जनपद मऊ पुलिस द्वारा जब्त की गई है। इस तरह मुख्तार अंसारी गिरोह के माफियाओं और सहयोगियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में विगत 93 दिनों में कुल 21,04,41,500 रुपये की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। साथ ही गौकसी गैंग D61 के 37 सदस्य राजेश राशिद के विरुद्ध की गई NSC की कार्रवाई में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 37 सदस्य राशिद उर्फ मंगरू पुत्र मुश्ताक निवासी प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि 13/9/2020 को गैंग लीडर दानिश के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही मुख्तार अंसारी गिरोह के 4 सहयोगियों सहित कुल 12 अपराधियों की हिस्ट्री सीट भी खोली गई है। तो इस जनपद मिर्जापुर की पुलिस ने भी मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य की गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 30 लाख की संपत्ति जब्त की है। पूर्वांचल फिल्म सिटी के लिए TV20 न्यूज़ चैनल की मुहिम कोरोना काल की शुरुआत से ही कलाकारों के पक्ष में रही है और उसी का नतीजा है कि बॉलीवुड का दोहरे चरित्र के कारण उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण के लिए सरकारी बयानबाजी होने लगी है। आज की तारीख में हिंदी प्रदेशों के कलाकार, गीतकार, लेखक, तकनीशियन, निर्माता, निर्देशक की ताकत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुंबई में फिल्म उद्योग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिल्मों के इस बाजार में भी प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए ताकि कोई भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी निजी थाली ना समझने लगे। पूर्वांचल के सभी फिल्मी हस्तियों को जोड़ते हुए पूर्वांचल फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि हमारे आजमगढ़ दूरांचल के जाने माने सिनेमा मेट्रोग्राफर फिल्म भोरी के निर्माता चंद्रपाल सिंह अपने इसी पूर्वांचल की धरती पर अभी हाल में नारी शक्ति पर जबरदस्त फिल्म बनाए जो टैक्स फ्री रहे, जिसमें आदित्य पंचोली, मुकेश तिवारी, मोहन जोशी, शक्ति कपूर, रघुवीर यादव आदि बहुत फिल्मी हस्तियों ने पूर्वांचल के लोकेशन को सराहा था। हिंदी सिनेमा के लिए हिंदी प्रदेशों के हम सभी कलाकार, लेखक, गीतकार, टेक्नीशियन, निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन को एकजुट होकर अपनी अलग एक फिल्मी दुनिया साउथ की तरफ से हिंदी प्रदेशों के हम सभी कलाकार, लेखक, गीतकार, टेक्नीशियन, निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन को एकजुट होकर अपनी अलग एक फिल्म दुनिया साउथ की तरफ से हिंदी प्रदेश में बनाने की जरूरत है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार और फिल्मकारों ने कर दी है। कैरोला जनपद आजमगढ़ में महिला शक्ति केंद्र के द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को एकत्रित कर जनपद में चल रही समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कराई गई। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ियों को कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमन हेल्पलाइन नंबर 1 स्टॉप सेंटर,
10901802108112 की जानकारी प्रदान कराई गई एवं कोविड-19 कोरोना से बचाव हेतु जानकारी दी गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने एवं मास्क लगाने के लिए आंगनवाड़ियों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर महिला कल्याण अधिकारी प्रति उपाध्यक्ष CPDO अनुज कुमार सिंह एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर उपस्थिति रहीं। इसी के साथ ही जिला समन्वयक गीता पटेल द्वारा आजमगढ़ की अजमतगढ़ ब्लॉक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या सुमंगला योजना वन स्टॉप सेंटर 1090 हेल्पलाइन 1098 हेल्पलाइन 112 हेल्पलाइन स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन विकलांग आदि योजनाओं के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विस्तृत जानकारी दी गई। एक तरफ प्रदेश सरकार और जिला पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है तो जहानागंज थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा सरकार व पुलिस अधीक्षक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुख्य सड़क पर एक व्यापारी को पीटा जा रहा है। व्यापारी का सिर्फ कसूर यह था कि लॉकडाउन के दौरान वह अपनी दुकान खुला हुआ था। वही उसी थाने का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें थाने पर तैनात उप निरीक्षक द्वारा पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। पहले इस ऑडियो को सुनवाते हैं। हेलो बादुच्चा, आप फौज घर है ना? हेलो बहादुरचा बोलते ना? हाँ हाँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या कहते ना कि अमन जब पहुँच गए अविनाश बोलती है साकी को अपने घर पहुँच गए ना ठीक ना? हाँ अच्छा अच्छा जिससे एक बात पूछी आपसे हाई जोन पैसा देवे के है हाई जोन 10,000 रुपया जो कहला लोगन के 10,000 रुपया दे दल हाँ ये कैसे देवे के अच्छा कैसे कैसे मतलब कैसे देवे के है अरे दू जना मिला के दे दिया जा वो दिया जे हां अच्छा यदि मान ला चाहे कुछ कुछ कंसेशन ना हो पाई है कुछ कंसेशन ना हो पाई ये क्या फॉर्म पे सीना फॉर्म पे की बात मत करो जब सॉरी सामने की बात है हां हां है ये कार्य मैंने ये भी रखे उन्हें बात के सबके सामने मैं कहा कि छोड़ दीजिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं है हां 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 विशन कहत रहा था मैं कह गया हमारे मोहल्ले के हैं हम जानते हैं लोग अच्छी तरह से बढ़िया है मुचल का भर ले बढ़ जा समझ जा के है गाड़ी बोलोरो बरामद भई है ना अपराधियों के है जा हां हां 3-5 करवा जा तो इमे नाम डाल दे कोई फायदा ना है मुके लिए के दे दिए काम सही करा दे समझा नहीं तो चाचा ही कहती जैसे हेलो हां जैसे हम जो बुलेट लेके गल नहीं जा खाना खाए खाते हैं है बुलेट या लेके जैसे हम जो गेनी जा खाना खाए खाते हैं हां अच्छा अच्छा ये कैसे मतलब बोल रही है कैसे नाम डाल दिया मतलब समझ ना पड़ी अच्छा सुबह मिली है तो बताइए फोन से मत बताइए सुबह मिली है तो बताइए अच्छा खाना खा के सुता है हेलो सुना तो खाना खा के सुता सुबह बताइए जैसे मान लो हम हेलो तेरा कुछ पैसा चलते सिपाही का जो एक हफ्ता बाद दे तो ऐसा है हम कहते तो आवाज आवत नहीं खाना खा के सुता सुबह बताइए ना ना आवत है सर तुहार आवाज आवत है मुके हां तुहार आवाज आवत है मुके का बताओ तुहार आवाज आवत है चाचा ए दूसरा कहा था मेरे हेलो क्या कहता था हां भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता जो इस थाना क्षेत्र के निवासी है उन्होंने बताया कि वीडियो ऑडियो मैंने पुलिस अधीक्षक को अधीक्षक व पुलिस उप महानिरीक्षक को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस अधीक्षक इस घटना की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिससे व्यापारियों को न्याय मिल सके और इसे भाजपा सरकार व पुलिस प्रशासन की छवि बनी रहे। ऐसे सुनाते हैं कि भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं आनंद गुप्ता जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भाजपा आजमगढ़ जहानागंज थाना के द्वारा आए दिन व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा और उनसे धन उगाही की जा रही है जिसका एक ऑडियो और वीडियो हमने SSP महोदय को और DIG महोदय को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और मैंने निवेदन किया है कि इससे पार्टियों सरकार की प्रशासन की छवि धूमिल होगी अतः मैं न्यायप्रिय SSP महोदय एवं DIG महोदय से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करने की कृपा करें। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मझरिया गांव निवासी धीरज पुत्र दीपचंद जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है किसी बात को लेकर आत्महत्या कर लिया है। धीरज 3 भाई और 1 बहन में 3रे नंबर पर था। माँ बाप ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करते हैं तो वही नारायण गांव निवासी सत्येंद्र मौर्य के यहाँ धीरज ट्रैक्टर ड्राइवर था और मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था।
पट्टे मालिक ने धीरज पर ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने का आरोप लगाया था, जो बैटरी बाद में धीरज ने वापस कर दी थी। इसके बाद पास में ही स्थित दूसरे ईंट भट्टा मालिक राजू चौहान ने भी धीरज पर बैटरी चोरी का आरोप लगाया, जिस पर दो दिन पूर्व पंचायत भी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि सत्येंद्र चुप मौर्य और उनके बेटियों ने धीरज को मारा पीटा, जिससे वह डर कर बीती रात आत्महत्या कर ली। आक्रोशित ग्रामीणों ने व परिजनों ने सुबह लगभग 10:30 बजे से 11 बजे तक सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पाते ही नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा एवं कोतवाल नंद तिवारी मौके पर पहुंचकर जाम को समाप्त कराते हुए मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। सुनवाते हैं मृतक की माँ और उसकी बहन क्या कह रही हैं। क्या हुआ था? मेरा भाई धीरज था, तो क्या हुआ कि बैटरी के चोरी में सतेंद्र मौर्य लगा के और उसको अपने द्वार पर बुला के उनके लड़के सब बुला के उसको बहुत मारे। 3:11 बजे से लेकर के 2 बजे तक मारे। पंचायत हुई, हमारी मम्मी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ा, कोई छुड़ाया भी नहीं। वही 4 गोजी तक तो दिमाग खुल जाई बता देवे, और अमन ताल जाके उनके हाथे घोड़े पर गिरनी जाता कहना नहीं नहीं बात ना होई, हमके बैटरी चाहिए। साल भर का उनका इंतजाम, दूसरे पर निगाह लगा के खाली कहा कि तू हमके खाली ना बता दे, वो माफी मांगे। कब का मामला है? कब का मामला है? कहानियाँ कहानी जाता वो ना मनना। मामला कब का? अच्छा ये बताइए, कल आपका लड़का क्या करता है? इनके सतेंद्र के धान कूटे वाली मशीन या माटी वाली इस पर रहत रहला, फिर उनके पास करके और के पर रहत रहला, अपन हाथ रहला रहत रहला उन लोगों के संगे। अब वो लोग जाके घरे कहानी कहाँ नौकरी कहाँ काम करत रहला? सतेंद्र की है। किस पर? सतेंद्र जी 100 रुपया पर धान कुटवा के 50 रुपया का सीसी खरीद के पियाउले में 50 रुपया मजदूरी के लिए हमें। वो कहना कि हम ओके पियाई लाई लड़का के हमरे पिए के सतेंद्र सिखौले हमें, कहना कि हम ओके सीसी पियाई लाए थे 100 रुपया, हमसे कहना 100 रुपया मजदूरी हो कर आवा, तो ये थे सीसी एडवांस होके पियावत रहना लेके। जब उनका लूट हुआ कर देना तो हमके यही जब मारे बनने बने मरना, हमरे मलकार के ईटा उठाना बेटी चोद तू ये सिखौले अवे, हमारे डरन अपने गरीबी की अपने मजबूरी के हमके उसी कहानी ना हम सबके घोड़े पर गिरी खाली घोड़े। यह खबर है जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील से, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर का मामला है, जहाँ यह वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कोरोना संकट काल में भी गंदगी का महाअंबार लगा है, जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि आप किसी अस्पताल में इलाज कराने हैं या जिंदगी की ढेर पर। एक तरफ सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छता अभियान चला रही है, तो ही राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान पर स्वास्थ्य कर्मचारी पलिता लगा रहे हैं। इस बाबत जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर प्रमोद से इस गंदगी का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, इसके लिए आपको रामनगर जाना होगा। कोई भी डॉक्टर व कर्मचारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि बीमारी कहाँ जाएगा और किस से शिकायत करेगा, जबकि सरकार जनता का करोड़ों रुपए अस्पताल के लिए खर्च करती है। आज सुनाते हैं कि बीमार महिला ने स्वास्थ्य महकमे के बारे में क्या कुछ कहा। समस्या है, 2 घंटा हो गया डिलीवरी हुई, अभी न कोई डॉक्टर आया न कोई मैडम आई देखने के लिए, माँ कैसा है कि बच्चा कैसा है। अच्छा, उस मरीज को कोई चाय कोई गर्म पानी कोई ऐसी कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, हम अपने कुछ नहीं मिला। इस भीषण गर्मी में उस रूम की क्या व्यवस्था है, लाइट पंखा क्या व्यवस्था है? पंखा धीरे धीरे चल रहा है, लाइट चली जाती है तो आई नहीं आई तो ठीक है। मतलब लाइट है तो पंखा धीरे धीरे चलता है, लाइट नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, डिलीवरी कितने घंटे हुए? 2 घंटे। 2 घंटे डिलीवरी को हो गए, कोई डॉक्टर आया देखने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अपना घर जाना चाहते हैं क्या? हाँ, रहना चाहते हैं? नहीं, हम अपना घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते हैं? हाँ। क्यों घर जाना चाहते हैं? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा? क्या सुविधा चाहते हैं आप? लाइट चाहते हैं, पंखा चाहते हैं, डॉक्टर आए कोई, अभी अस्पताल में कोई नहीं, हम लोग रात में अकेले कैसे रह पाएंगे? कोई दवा है? कुछ नहीं है, कोई दवा नहीं मिली अभी तक। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? कल्पना। ये नादिन से कल्पना है, यहाँ पे अपनी देवरानी को लेके आई हुई है। क्या नाम है उनका? कविता। कविता को लेके आई हुई है और इनको बहुत सारी परेशानियाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर से बता रही हैं, और यह कह रही कि घर जैसे ही सारी व्यवस्थाएं तो क्यों ना अपने मरीज को लेके हम घर जाएं। मैं अनिल त्रिपाठी, कैमरामैन जोगेंद्र द्विवेदी के साथ।
मूसलाधार बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खिले हैं तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों का आना जाना दुबार हो गया है। सरकार गड्ढे मुक्त सड़क का दावा करती है और यह कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में हर जगह सभी गड्ढे भर दिए गए हैं। इसका आपको नज़ारा देखना हो तो आप रानी के सराय वरानापार क्षेत्र में जाकर एक बार देख लें। बरसात ने अधिकारियों की कामों की फोल खोल दी है। सड़क पर गड्ढा या गड्ढे में सड़क, इसका आप निस्तारण नहीं कर पाएंगे। आने जाने वाले लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं तो वही आम रक्षा वाला भी किस तरह पानी में अपने आप को संभाल रहा है, रिक्शा वाला किस तरह पानी से में अपने आप को संभाल रहा है, जो वीडियो में देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में सरकार लोगों को क्या संदेश देना चाहती है या आने वाले चुनाव में जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार को जवाब देगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की एक स्वायत्त संस्था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के सशक्त एवं अस्थायी संस्थाएं बनाकर आजीविका के अवसरों को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकजुटता क्षमता विकास हेतु सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। समूह में कम से कम 10 महिलाएं एवं अधिकतम 20 महिलाएं होगी। महिलाओं के 10-15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन एवं ग्राम संगठनों को संकुल स्तर पर संघ में संगठित करना तथा सामुदायिक संस्थागत ढांचे को लगातार क्षमता विकास के माध्यम से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।